Hello students, in this video I will explain you how to convert DFA to the minimized DFA. So DFA क्या होता है आपका deterministic finite automata. हमें उसके equivalent minimized deterministic finite automata design करना है. तो देखिए कहने का मतलब क्या है, simply what we want, अगर कोई regular language दी हुई होती है तो उस regular language के corresponding we can say that there exists more than one deterministic finite automata. तो एक लैंग्वेज के, एक सिंगल रेगुलर लैंग्वेज के एक से ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकते हैं. बट हम क्या कर सकते हैं, हम अगर उन सभी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के, सपोज कोई लैंग्वेज एल है और उस लैंग्वेज एल के 10 डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन रहे हैं, गॉट माई पॉइंट. तो हम उन सभी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जितने भी बन रहे हैं उन सभी को अगर हम मिनिमाइज्ड करते तो आफ्टर मिनिमाइजेशन देयर एग्जिस्ट सिंगल मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा. तो वी कैन से दैट देर एग्जिस्ट अ यूनिक मिनिमल DFA फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज. तो जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज होगी हर रेगुलर लैंग्वेज का एक यूनिक मिनिमल DFA एग्जिस्ट करेगा, गॉट माई पॉइंट. सो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा लेके चलते हैं और देखते हैं कि वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरीके से आपका मिनिमाइज होता है और जो मिनिमाइज DFA है उसका आउटपुट क्या होता है. यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जब भी DFA को मिनिमाइज्ड DFA में चेंज करोगे वी कैन से दैट दे आर इक्विवेलेंट इन अ पावर. कहने का मतलब है व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ दैट यू कैन एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ DFA, ऑल द स्ट्रेंथ्स यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ मिनिमाइज्ड DFA. गॉट माई पॉइंट. सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल. सपोज एक DFA हम लेके चल रहे हैं. DFA का प्रॉपर्टी क्या होता है, जो भी आपके इनपुट सिंबल होते हैं, सपोज द इनपुट सिंबल वी आर एज्यूमिंग we are designing that DFA over input AB. So what will be the number of state? हर state से input A और input B का exactly 1-1 transition rule होना चाहिए. चलिए if I am giving input A, I am going at a state that is Q1. मैंने input B दिया तो मैं Q2 state पर गया. There is a loop of A. Now if I am giving input B here or B there, we are going at a state that is Q3. There is Q4. Got my point? Now see, there is a loop of A, comma B, and there is a loop of A, over input B, there is a Q5 state, there is an input AB, and if we are giving input B, we are going at that particular state, like this. So can we say that it is deterministic finite automata? So you can say जितनी भी states है हर state से input A और input B का exactly one transition rule होना चाहिए. So Q4 से भी input A B का एक rule है, Q5 से input B के दो rule हो गए. So just discard that one. Now we can say that it is DFA. एक से ज़्यादा rule किसी का भी नहीं होना चाहिए. तो suppose ये हमारा deterministic automata है, now we can say that each state has exactly 1-1 transition rule for every input. So that is deterministic finite automata. अब हमें इसका क्या करना है, minimized DFA design करना है. तो minimized DFA design करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं. तो सबसे पहले what to do, try to design table for that particular. तो इस DFA का table बनाएं, उस DFA के table की help से फिर हम उसको क्या करेंगे, minimize करेंगे. So design table for this. तो ये जो भी आपने मूव्स बनाए हैं इन मूव्स का आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए. सो देयर इज अ इनपुट ए एंड देयर इज अनदर इनपुट बी. इनिशियल स्टेट Q0. Q0 पे इनपुट ए देने पे आप कौन सी स्टेट पे जा रहे हो, Q1 पे, और बी देने पे कहाँ जा रहे हो, Q2 पे. यू कैन सी नाउ Q1 स्टेट इफ यू आर गिविंग Q1 स्टेट पे, अगर मैं इनपुट ए देता हूँ तो मैं Q1 स्टेट पे रहता हूँ और अगर मैं बी देता हूँ तो मैं Q3 स्टेट पे चले जाता हूँ. नाउ देयर इज अ Q2 स्टेट पे अगर हम इनपुट ए देते हैं तो हम Q2 स्टेट पे रहते हैं. Q2 स्टेट इफ वी आर गिविंग इनपुट ए देन वी आर एट अ Q2 स्टेट. ओके Q2 स्टेट पे अगर हम इनपुट बी देते हैं तो Q4 स्टेट पे आते हैं. Q2 इनपुट बी वी आर गोइंग एट अ स्टेट दैट इज Q4 स्टेट. नाउ Q3 स्टेट की अगर हम बात करें तो Q3 पे आइदर वी आर गिविंग इनपुट ए और बी, वी आर एट अ Q3 स्टेट. Q4 स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो Q4 स्टेट पे अगर हमने इनपुट ए दिया तो Q4 स्टेट पे रहेंगे और बी देने पे हम Q3 स्टेट पे जाएंगे. नाउ देयर इज अनदर स्टेट दैट इज अ Q5 स्टेट.
Q5 स्टेट पे इफ आई एम गिविंग इनपुट ए आई एम एट अ Q5 स्टेट एंड इफ आई एम गिविंग इनपुट बी आई एम एट अ Q4 स्टेट। तो सबसे पहले हमने ये जो टेबल ये जो डायग्राम था इस डायग्राम का हमने DFA टेबल बना दिया, दैट इज DFA टेबल। ओके नाउ मिनिमाइजेशन जो प्रोसेस है, अब हमें इसको मिनिमाइज करना है और देखना है कि क्या जो काम ये ऑटोमेटा टोटल 6 स्टेट में कर रहा है क्या हम सेम काम 6 से कम स्टेट में कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि हम इस काम को 6 से कम स्टेट में कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिनिमाइज DFA। और समटाइम इट मे बी पॉसिबल कि जो आप DFA ले वो ऑलरेडी मिनिमाइज है। तो पूरी प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये DFA मिनिमाइज था ऑलरेडी या इसके करस्पॉन्डिंग कोई और DFA प्रेजेंट है जिसमें कम स्टेट्स है। सी आप यहाँ पे देखें फाइनल स्टेट्स कौन सी है, सो वी कैन सी दैट Q3 इज फाइनल स्टेट, Q4 इज फाइनल स्टेट। तो Q3 Q4 क्या हो गई आपकी फाइनल स्टेट हो गई। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी द पॉइंट, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर एग्जिस्ट एनी अनरीचेबल स्टेट। सबसे पहले स्टेट में ये देखिए कि क्या कोई अनरीचेबल स्टेट है। अनरीचेबल स्टेट वो स्टेट होती है जो इनिशियल से अगर आप किसी स्टेट पे नहीं जा पा रहे हो, इट इज कॉल्ड अनरीचेबल स्टेट। Q0 से Q1 के लिए पाथ है, यस। Q0 से Q3 के लिए पाथ है, यस, ए से बी। Q0 से Q2 पे जा सकते हैं, Q0 से Q4 पे जा सकते हैं, बट वी कैन नॉट रीच Q5 फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। ऑटोमेटा जब भी स्टार्ट होता है स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट से पास होती है, लेकिन आप यहाँ पे इनिशियल स्टेट से Q5 तक नहीं जा सकते। गॉट माई पॉइंट? सो इन दैट कंडीशन वॉट टू डू, तो हम कहेंगे कि जो Q5 है दैट इज अनरीचेबल स्टेट। और अगर कोई भी अनरीचेबल स्टेट है जहाँ पे आप Q0 इनिशियल स्टेट से नहीं जा पा रहे हो, देन रिमूव सच टाइप ऑफ स्टेट फ्रॉम मिनिमाइज्ड DFA। मिनिमाइज्ड DFA में अनरीचेबल स्टेट का कोई काम नहीं होता, ठीक है। ट्रैप स्टेट एक अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रैप स्टेट क्या होती है कि अगर आप इनिशियल स्टेट से उस स्टेट तक जाते हैं, देर इज अ पाथ, आप उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ एक्सेप्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ट्रैप स्टेट, या हम उसको डेड स्टेट भी कहते हैं। अनरीचेबल स्टेट जहां पहुंच ही नहीं पा रहे, जहां जा ही नहीं सकते, कोई पाथ ही नहीं है, सो दैट इज अनरीचेबल। सो इफ देयर एग्जिस्ट एनी अनरीचेबल स्टेट देन वी नीड टू एलिमिनेट दैट स्टेट फ्रॉम द ऑटोमेटा। ट्रैप स्टेट है कोई दिक्कत नहीं, अनरीचेबल है तो हटाना है। चलिए तो सबसे पहले हमने लिखा Q5 इज अनरीचेबल, तो सिंपली एलिमिनेट Q5 फ्रॉम द ऑटोमेटा। आपने ये और इससे ट्रांजिशन एलिमिनेट कर दिए, तो नाउ वी डू नॉट हैव अ Q5 स्टेट। गॉट माई पॉइंट? नाउ अब हमें क्या करना है, जो भी फाइनल स्टेट से और जो नॉन फाइनल स्टेट है उनका एक सेट बना लो। सेट ऑफ फाइनल स्टेट Q0 Q1 Q2 एंड सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट Q3 Q4। क्लियर है? तो पहला ब्रेक कैसे किया हमने, इन स्टेट्स को डिवाइड किया दो सबसेट में। एक सेट में जो फाइनल स्टेट्स है 3-4 उनको रख दिया, एक सेट में जो नॉन फाइनल स्टेट है Q0 Q1 Q2 उनको पुट कर दिया। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, नाउ व्हाट वी वांट टू ट्राई टू एलिमिनेट दैट, कि अगर मैं इनको क्या फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ। सो Q0 के साथ Q1 आएगा या नहीं आएगा सेकेंड स्टेप में, तो अब ये अगली स्टेप्स हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो सी है Q0 के साथ Q1 आएगा या नहीं आएगा, तो चेक करिए Q0 Q1 पे अगर हम इनपुट A देते हैं तो जो आउटपुट स्टेट्स हैं वो सेम सेट से बिलोंग करनी चाहिए। सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग पाई 1 हम बेस जो सेट है वो इसको लेके चलते हैं पाई 0 को। तो Q0 Q1 इफ वी आर गिविंग इनपुट A, आउटपुट क्या आ रहा है, वी कैन से दैट इट इज Q1 Q1 एंड वी कैन से दैट दे बोथ आइदर दिस और दिस दे बोथ बिलोंग टू द सेम सेट। यस Q0 Q1 पे इनपुट A देने पे दोनों सेम सेट से बिलोंग कर रहे हैं। Q0 Q1 पे इनपुट B दिया तो आप देख सकते हैं एक आ रहा है Q2 और एक आ रहा है Q3, तो Q2 इस सेट से बिलोंग करेगा और Q3 इस सेट से बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब है कि Q0 और Q1 साथ में नहीं आएंगे, सो वी नीड टू ब्रेक डिफरेंट सेट। अब हमें उन दोनों को अलग अलग सेट में रखना पड़ेगा। व्हाट माय पॉइंट? क्या डिवीजन किया, व्हेन एवर वी आर गिविंग इनपुट दे बोथ शुड बिलोंग टू द सेम सेट। नाउ सी हियर, अब हम पाई 2 को देखते हैं पाई 0 के साथ आएगा या नहीं। सो Q0 और Q2 है ना, पाई 1 के लिए हम देख रहे हैं Q2 को, Q0 Q2 इफ यू आर गिविंग इनपुट A, तो Q0 पे A देने पे आप कहाँ जा रहे हैं Q1 पे, और Q2 पे A देने पे आप कहाँ जा रहे हैं Q2 पे। Q1 Q2 दे बोथ बिलोंग टू द सेम सेट, यस, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और हमने बी दिया, अब इस पर 2 आ रहा है और इस पर 4 आ रहा है। नाउ यू कैन सी हियर 2 यहाँ आ रहा है और 4 यहाँ आ रहा है, मतलब इनपुट ए देने पे तो दोनों का रिजल्ट सेम सेट से आ रहा था, लेकिन इनपुट बी देने पे दोनों का रिजल्ट डिफरेंट सेट से आ रहा था। डिफरेंट सेट से आ रहा है तो अब आपको उनको ब्रेक करना है, तो Q2 Q0 के साथ तो नहीं आएगा। अब माइट बी पॉसिबल Q1 के साथ आ जाए, Q1 के साथ आ सकता है, तो मे बी पॉसिबल। Q1 Q2 चेक करते हैं। Q1 Q2 इफ वी आर गिविंग इनपुट ए इट इज 1 2 एंड 1 2 बिलोंग टू दिस सेट, दोनों सेम सेट से। इनपुट बी देने पे आया आपका रिजल्ट 3 4 एंड वी कैन से दैट 3 4 बिलोंग टू द सेम सेट करस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफिक इनपुट। जो आउटपुट है वो सेम सेट से आना चाहिए, दूसरे इनपुट से आउटपुट दूसरे सेट से आ सकता है, लेकिन वो दोनों सेम सेट से होने चाहिए। लाइक दिस, ये पहले सेट में मिल रहे हैं दोनों, ये दूसरे सेट में मिल रहे हैं दोनों, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पहले सेट में मिल रहा है, एक दूसरे सेट में मिल रहा है। सो करस्पॉन्डिंग टू इनपुट आउटपुट शुड बिलोंग टू द सेम सेट। नाउ Q1 Q2 हो गया आपका, तो Q1 Q2 हमने सेम सेट में रख दिया। नाउ वी नीड टू चेक विथ 3 4 कि 3 4 साथ में आएंगे या नहीं। यू कैन सी हियर इफ आई एम गिविंग इनपुट ए आउटपुट इज 3 4 बिलोंग टू द सेम सेट, इफ आई एम गिविंग इनपुट बी आउटपुट इज Q3 बिलोंग टू द सेम सेट। सो 3 4 साथ में आएंगे। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट अनादर π2, वी नीड टू रिपीट दैट प्रोसेस। Q0 क्या फर्दर ब्रेक होगा? नो, Q0 फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। क्या Q1 Q2 फर्दर ब्रेक होगा? सो विल चेक सी हियर। Q1 इफ आई एम गिविंग इनपुट ए आउटपुट इज 1 2। अब देखिए, अब जब π2 कैलकुलेट कर रहे हो तो बेस आपको π1 को लेके चल रहा है, तो Q1 Q2 पे इनपुट ए देने पे Q1 Q2 आ रहा है, एंड वी कैन से दैट दे बोथ बिलोंग टू द सेम सेट। और इनपुट बी देने पे Q3 Q4 आ रहा है, यू कैन सी हियर दे बोथ बिलोंग टू द सेम सेट। ओके, सो Q1 Q2 फर्दर ब्रेक नहीं होगा। नाउ व्हाट अबाउट 3 4? सो यू कैन सी हियर 3 पे देने पे Q3 Q4 आ रहा था, इसी सेट से था, और बी देने पे Q3 आ रहा था, इसी सेट से था, तो ये भी ब्रेक नहीं होगा। सी हियर, जैसे ही आपको दो सेट सेम मिल जाते हैं, π1 इक्वल टू π2, टू सेट्स अगर आपको सेम मिल जाते हैं, सिंपली स्टॉप दी प्रोसेस, प्रोसेस को आपको स्टॉप कर देना है, इसके आगे हम मूव नहीं करते, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेट्स इन अ मिनिमाइज्ड DFA, इसका जो मिनिमाइज्ड DFA होगा उसमें कितनी स्टेट होगी। तो सिंपली जो सबसे लास्ट आपका जो π2 है, जो सबसे लास्ट सेट आया, उसमें कितने सबसेट्स हैं? 1 2 3। सो योर आंसर इज 3। हम इसका मिनिमाइज्ड DFA 3 स्टेट्स में बना सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? पहली स्टेट Q0, दूसरी Q1 Q2 और तीसरी Q3 Q4। गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द रिजल्ट। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि वो जो पर्टिकुलर डायग्राम है, वो जो मिनिमाइज्ड DFA है, वो क्या है, उसके मूव्स क्या है, सो आई विल शो यू कि ये 3 स्टेट्स में उसके मूव्स क्या बनेंगे। ना, सो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज्ड DFA टेबल बनाते हैं, मिनिमाइज्ड DFA, स्टेट्स आर फिक्स्ड। नाउ 3 स्टेट्स आर देयर। फर्स्ट स्टेट Q0। नाउ यू शुड रिमेंबर 1 पॉइंट, इनिशियल स्टेट कौन सी होगी? तो यहां पे Q0 इनिशियल स्टेट है। यहां जिस भी सेट में इनिशियल स्टेट आती है, वो इनिशियल स्टेट यहां बन जाएगा। Q1 Q2, नाउ दैट सेट इज अ सिंगल स्टेट, तो आपको इन दोनों को मर्ज कर देना है। 1 2 3 4, नाउ इट इज द सिंगल स्टेट, तो आपने इसको भी क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। नाउ 3 4, विच इज फाइनल स्टेट, तो सिंपली यहां पे फाइनल स्टेट कौन था? 3 एंड 4 फाइनल स्टेट था, तो जिस भी सेट में 3 4 आएगा वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। सो ये फाइनल हो गया, क्लियर है। अगर मान लो 3 और 4 दोनों अलग अलग सेट में आते हैं, तो दो फाइनल स्टेट हो जाती है, Q3 की अलग, एक Q4 की अलग, दोनों एक ही में आ रहे थे तो मर्ज कर दिया। नाउ Q0 पे इनपुट ए देते हैं। अब आप इस DFA में देखिए, Q0 पे इनपुट ए देने पे आप कहां जा रहे हैं? सो यू आर गोइंग एट अ स्टेट Q1। अब यहां पे Q1 नहीं लिखना है, आपको ये देखना है कि ये जो Q1 है, ये इन तीनों में से किस सेट से बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है। अब इस सेट में जितनी भी स्टेट्स थी वो सारी मर्ज हो चुकी है, सो नाउ इट बिकम Q1 2। ओके, बी दिया तो क्या आ रहा है? Q2। यहां देखिए Q2 किससे आ रहा है? 1 2 से, सो यू शुड पुट हियर Q1 2। नाउ Q1 2 पे इनपुट ए देना है,
Q12, if we are giving input A, result is Q12, merge कर दीजिए। कभी भी कोई न्यू स्टेट डिराइव नहीं होने वाली, सिर्फ ये तीन ही स्टेट रहेंगी, गारंटेड है। Q12, if we are giving input B, it is 3-4, so it is 3-4. Q34, if we are giving input A, output क्या आ रहा है? 3-4, we know that 3-4 belong to the same set, तो 3-4 ही आएगा। और जब हमने इनपुट बी दिया, आउटपुट इज Q3 एंड वी कैन सी Q3 बिलोंग टू दिस सेट और Q3 भी है, तो उसको 3-4 लिखना है, क्योंकि जो भी स्टेट आ रही है वो किस सेट की स्टेट है वो लिखनी है आपको। ये आपका क्या हो गया, मिनिमाइज्ड DFA हो गया। चलिए इसके इक्विवेलेंट अगर हम डायग्राम बना के देखें, सो इनिशियल स्टेट इज Q0। इफ आई एम गिविंग आइदर आई एम गिविंग इनपुट ए और बी, आई नीड टू गो टू द Q12 स्टेट। Q12 पे इनपुट ए दिया, सो देयर इज अ लूप, और इनपुट बी देने पे वी आर गोइंग एट अ स्टेट दैट इज फाइनल Q34, एंड देर इज अ लूप ऑफ A, B, सो दैट इज मिनिमाइज्ड DFA करस्पॉन्डिंग टू दिस। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज DFA एंड वी कैन से दैट इट इज MDFA, मिनिमाइज्ड DFA। दे बोथ आर इक्वल इन पावर। ए बी यहां से एक्सेप्ट होगा, ए बी यहां से भी होगा, ए यहां से दे दिया, बी यहां से दे दिया, ए बी 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 एक्सेप्ट होगा, इससे भी हो जाएगा, यहाँ से बी ले लीजिए, फिर यहाँ से बी ले लीजिए, बी बी एक्सेप्ट हो गया। गॉट माई पॉइंट? ये जो A, B आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर मल्टीपल इनपुट्स देने तो आप A यहाँ लिख दीजिए, B यहाँ लिख दीजिए, दे बोथ आर वैलिड। तो A, B भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, दोनों सही है। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज अ वे टू मिनिमाइज पर्टिकुलर DFA, तो एक DFA को मिनिमाइज करने का ये तरीका होता है। गॉट माई पॉइंट? ना एक और एग्जांपल हम इस पर देखते हैं। सी हियर, सपोज टू बी देयर इज इनिशियल स्टेट Q0, देन अदर स्टेट Q1, like this, okay? So first of all, you need to check that key it is DFA or not, deterministic, finite, automata या नहीं। So हर स्टेट में इनपुट A और B का exactly one rule होना चाहिए। So there is one rule, and there is also one rule, okay? So ये जो मिनिम DFA है, we need to check that key क्या ये minimized ही है, और अगर नहीं है तो कितनी minimum state बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, DFA का टेबल ड्रॉ कर लें। सो डिजाइन टेबल फॉर DFA, सो देयर इज इनपुट ए, देयर इज अनदर इनपुट बी, इनिशियल स्टेट आपका क्या है, Q0। Q0 पे इनपुट ए दिया तो Q0 आएगा, इनपुट बी देने पे Q1 आएगा। Q1 इफ वी आर गिविंग इनपुट ए, देन आउटपुट इज Q2, और Q1 पे इनपुट बी देने पे, नाउ यू कैन रीनेम दैट स्टेट, इसको Q4 कर लीजिए, इट इज Q4। नाउ Q2 स्टेट की अगर हम बात करें, तो Q2 पे इनपुट A देने पे हम Q3 पे जा रहे हैं, और B पे सेल्फ लूप पे मतलब Q2 ही आएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज Q3, Q3 पे आइदर आई एम गिविंग A और B, इट इज Q3 ओनली। द नेक्स्ट स्टेट इज Q4, सो व्हाट वी कैन से, Q4 पे इनपुट A दिया, आउटपुट Q4 स्टेट है, और B देने पे आउटपुट Q3 स्टेट है। जस्ट Q3 इज अ फाइनल, सो मेक अ लूप ओवर Q3, इट इज फाइनल। ओके, now that is a table for that particular DFA. Now we need to perform minimization process. तो सबसे पहले हमने लिया set π0. We need to check that कि क्या यहाँ पे कोई unreachable state है। तो देखिए, 0 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 3 पे जा सकते हैं, 0 से 1, 1 से 4, 4 से 3।
तो यहाँ पे कोई भी आपकी अनरीचेबल स्टेट नहीं है, अनरीचेबल स्टेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो DFA है, ठीक है, इसमें से कोई भी बिकॉज ऑफ अनरीचेबल कोई स्टेट्स आपकी मूव होने वाली नहीं है, हटने वाली नहीं है. नाउ व्हाट टू डू, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर हम पाई जीरो की बात करें, जो इनिशियल स्टेट है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो पाई जीरो में आपको क्या करना है, सेट ऑफ फाइनल, जितनी भी फाइनल स्टेट है उसका एक अलग सेट बनाना है, नॉन फाइनल स्टेट्स का अलग सेट बनाना है. तो फाइनल स्टेट आप देख सकते हैं, सिर्फ देयर इज ओनली अ सिंगल फाइनल स्टेट, दैट इज Q3. तो सिर्फ एक ही, सो हमने यहाँ पे क्या किया, फाइनल स्टेट का एक सेट बना दिया और जो नॉन फाइनल स्टेट है उसको अदर सेट में रख दिया. सो सी द पॉइंट, नॉन फाइनल स्टेट्स आपकी कौन सी है, तो Q3 को छोड़ के बाकी सारी नॉन फाइनल है उनका एक सेट बना दीजिए, Q0, Q1, Q2, Q4, लाइक दिस. गॉट माई पॉइंट? अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें पाई वन सेट अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा, तो Q3 तो फर्दर ब्रेक हो नहीं सकता क्योंकि ये फाइनल है. जो नॉन फाइनल है उनमें फर्दर ब्रेकिंग पॉसिबल है क्योंकि 4 स्टेट से हो सकता है और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए वो. सो सी हियर, अब देखिए आप अगर यहाँ पे बात करें Q0 Q1 सेम सेट में आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप देखिए Q0 Q1 पे इनपुट ए दिया, क्या आ रहा है, 02 इसी सेट से आ रहा है, और बी देने पे क्या आ रहा है, 14 भी इसी सेट से आ रहा है, मतलब 0 के साथ 2 रहेगा. गॉट माई पॉइंट? अब अगर आपको Q0 के साथ Q1 रहेगा, 1 से हमने चेक किया था अभी, अब हमें Q2 से चेक करना है. सो सी हियर, चेक 0 विद 2, आप देखिए 0 और 3, तो 3 तो फाइनल है ये अलग आ रहा है और जो नॉन फाइनल है वो इसमें आ रहा है, मतलब Q2 कैन नॉट मर्ज विथ Q0, Q2 कैन नॉट मर्ज विथ Q0 क्योंकि इनपुट ए देने पे डिफरेंट स्टेट से आउटपुट आ रहा है. तो Q2 को अलग कर दो, Q2 अलग कर दिया. अब देखिए Q2 अगर 0 से मर्ज नहीं हो रही तो वो 1 से भी मर्ज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 0-1 ऑलरेडी एक ही स्टेट में आपने लिखे हैं. तो अगर Q2 0 के साथ क्लब नहीं हो रहा तो वो 1 के साथ भी क्लब नहीं होगा, डायरेक्टली बाहर लिख दिया. अगर 1 के साथ क्लब हुआ तो अल्टीमेटली वो तीनों सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हमने अलग लिखा. ठीक है, अगर Q0 Q1 यहाँ ब्रेक हो चुके होते तो पहले Q2 को Q0 से चेक करते, उनके साथ क्लब नहीं हो रहा है तो 1 से चेक करते, उसके साथ क्लब नहीं हो रहा तो फिर अलग लिखते. नाउ Q4, अब देखिए Q4 की बात करें तो पहले Q4 को हमने Q0 से चेक किया, सी हियर देयर इज इनपुट 0, देयर इज 4 बिलोंग टू द सेम सेट, 04 बिलोंग टू द सेम सेट, यस. फिर हमने Q1 के लिए देखा B3, तो बी के लिए Q1 और यहां पे Q3, तो बी के लिए Q1 इधर आ रहा है और Q3 इधर आ रहा है डिफरेंट सेट से. सो Q4 इज नॉट विथ Q0 Q1, तो Q4 अब Q0 Q1 के साथ नहीं आएगा, तो क्या जो Q4 है वो Q2 के साथ आएगा, लेट अस चेक Q2 Q4 3 4, वी कैन सी 3 इज हियर एंड 4 इज देयर. सो इसके साथ भी नहीं आ रहा, आपको इसको अलग से लिखना है, Q4 आपने फर्दर ब्रेक कर दिया. गॉट माई पॉइंट? नाउ रिपीट द सेम स्टेप आपको रिपीट करनी है, पाई 2, Q3 इज हियर. नाउ वी नीड टू चेक दैट कि 0-1 मर्ज होंगे या अलग होंगे. सो 0-1, इफ आई एम गिविंग इनपुट ए, इट इज 0-2. नाउ यू कैन सी हियर Q0 इज देयर एंड Q2 इज हियर, मतलब अब दोनों डिफरेंट सेट का रिजल्ट है, Q0 यहाँ आ रहा है और Q2 यहाँ आ रहा है. गॉट माई पॉइंट? तो अब हमें इसे भी ब्रेक करना होगा, तो हमने इसे ब्रेक कर दिया. एंड वी कैन सी, अब देखिए इसको किसी और के साथ इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही अलग है, तो सेम सेट ब्रेक होता है तो चेक करते हैं. तो Q1 हमने यहाँ लिख दिया, Q2 अलग आ गया और Q4 अलग आ गया, लाइक दिस. गॉट माई पॉइंट? नाउ इन दिस स्टेप यू कैन सी हियर ईच स्टेट इज इन सेपरेट सेट, Q3 का अलग, Q0 का अलग, Q1 का अलग, Q2 का अलग, Q4 का अलग, तो स्टॉप. अब इसके आगे आपके अगर सारे सेम सेट में डिवाइड हो गए तो आप नेक्स्ट पाई 3 भी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सेम एस पाई 2 आएगा. सो स्टॉप कर दिया. हाउ मेनी स्टेट्स इन मिनिमाइज DFA, वी कैन से 1 2 3 4 5, वही 5 स्टेट जो 5 स्टेट हमें यहाँ दिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि कोई भी सेट मर्ज नहीं हो रहा. सो वॉट वी कैन से दैट इट इज ऑलरेडी मिनिमाइज्ड, इट इज ऑलरेडी मिनिमाइज्ड, तो इसका फर्दर मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है. तो वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ ऑटोमेटा इज ऑलरेडी मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा. अगर सारी स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट में आ जाती है तो उसको हम ऑलरेडी मिनिमाइज्ड कहते हैं. गॉट माई पॉइंट?